Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. In the polar Khada of Haryana, as the politicians box it out for the 21st of October assembly elections, there is a very conspicuous absence. These are the pehelwans who used to earlier play bouncers to these politicians to manage crowds and also do door-to-door campaigning. The pehelwans during election season would mint money and earn anywhere between 2,000 a day to 2 lakhs for the entire campaign. However, it seems this year they have chosen to focus on their careers as professional boxers and focus on the profession of wrestling instead. Now, the print visited 3 akaras in Rohtak to figure out what the pehelwans actually felt about the election season, how it used to pan out in earlier days. पहली बात तो कोई बुलाता ही नहीं ऐसे सब बोलते हैं वैसे अपने पर्सनली हेल्प जो होती है ना हमारी भाई वोट डलवा देना और वैसे और कोई आता है आया तो है नहीं कोई आएगा तो तुम भी नहीं भेजते हम हमारा मेन फोकस क्या अपनी रेसलिंग पे है अपने क्या अपने गेम पे है तो ही सुबह बच्चा पहलवानी करते हैं पहलवान और उस दिन में उनके साथ घूमेंगे तो फिर से हमको कैसे प्रैक्टिस करेंगे अब दिन ये कंपटीशन भी आए हुए हैं तो इसलिए फिलहाल तो किसी ने कोई बुलाया भी नहीं है भाई ये पहलवानों को ले गया और कोई बुलाएगा तब भी हम भेजेंगे नहीं हमारा खेल से ही ज़्यादा संबंध रहता है हम खिलाड़ी हैं और खेल पर ही हमारा ध्यान रहता है ज़्यादातर राजनीति अलग फील्ड हो गया इस सरकार ने तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ किया नहीं है पीछे जो दीपेंद्र हुड्डा थे भूपेंद्र हुड्डा थे आई थिंक उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है प्लेयर खातर ऑल हरियाणा के जो भी प्लेयर थे ना सब कुछ उन्हें बहुत बढ़िया कराया है ये बच्चा हमारा सूबेदार है सेना में 80-85 हज़ार रुपये तनख्वाह क्यों जाएगा कहीं पर किसी नेता के उसमें अब ये लड़का दूसरा खड़ा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है इसका तो ये क्यों जाएंगे कहीं पर और जो जाएगा वो खिलाड़ी नहीं हो सकता जी नहीं मैम पहले तो ये जैसे पहलवानों को साथ में लेकर चलना एक थोड़ा अपना वो मानते थे भाई मेरा दबदबा है थोड़ा हाथ बनी इज्जत ही मानते थे भाई भाई है अब थोड़ा चेंज हो गया है अब तो कोई भी दस मतलब नौजवान बच्चे साथ में लेकर चले तो उनको भी बोलते पहलवान आए हुए थे अब तो कोई भी सब उनके साथ चले उनके बोलते पहलवान हुए थे पहलवान हो गया थोड़ा एक ये लोगों के बीच में गलत फहमी हर जगह पहलवान नहीं होते और पहलवान भी होंगे तो वे होंगे जो एक्स पहलवान हो जो पुराने पहलवान होंगे जिन्होंने पहलवानी छोड़ रखी चलो वे तो अपना उन्होंने कोई पहलवानी से कोई मतलब नहीं वो तो किसी की भी सपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं और जो फिलहाल में करंट में पहलवानी करते हैं तो वे तो जाते ही नहीं वो तो कोई मेरे हिसाब से कोई नहीं मिलेगा Now wrestling has become the new dream as Olympics becomes the mantle. All of these guys are working towards taking up what they see is a professional wrestling agreement. मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही हूँ और मेरे को राजनीति वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है आने को तो सभी बोलते हैं सभी पार्टियाँ वाले आते हैं हमारे पास सभी कहते हैं हमारे साथ चलो उसके साथ चलो लेकिन नहीं खिलाड़ियों का किसी ने किया दो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने किया ना मैं किसी के लिए नहीं मैं सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के लिए वोट डालूंगा क्योंकि वो हम खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करता और बहुत खेल को एक ऊपर लेके गया हूँ क्योंकि बीजेपी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक हमारे अवार्ड तक नहीं आए तो हम उड़ा सरकार ने क्या जो कुछ किया खिलाड़ियों के लिए बीजेपी ने तो आज तक हमारे अवार्ड रोक रखे हैं तो क्या फ़ायदा खिलाड़ियों को कुछ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा इसमें Most of the coaches that the Prince spoke to said that in the last 10 years, a lot had changed for these pehelwans. They said that they had decided to focus more ever since the medals started coming in. Now, what we are seeing is something that is called a change of perception. They say that they no longer want to be famous or notorious for acting as bouncers to politicians. कम से कम 10-12 साल पहले ये 2004-05 के बाद पहलवानों को मतलब पैसे मिलने लग गए बहुत सारे कंपटीशन होने लग गए और कंपटीशनों में मतलब पैसे मिले हैं और अब आज तो इतनी इस हालात में है पहलवान बाई एयर चल रहे हैं हम भी जैसे उनकी टिकट कराते हैं नेशनल में टीम ले जाते हैं अगर उस समय हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं होता नहीं खिलाड़ी तो कभी हायर होता ही नहीं ये तो तकरीबन मीडिया का ज़्यादातर शोर शराबा है कि उस अखाड़े के इतने हो गए उस अखाड़े के इतने हो गए गुंडागर्दी तो ये एक मीडिया की देन है लिख देते हैं कुछ भी मतलब उठा के भाई इतने अखाड़े इतने पहलवान हायर कर लिए इंडिविजुअल अपना वो करता है तो अपने लिए करता है बाकी मेरे हिसाब से तो खिलाड़ी जो ठीक होगा उसके पास कहाँ टाइम होता है फॉर द प्रिंट दिस इज दीक्षा भारद्वाज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल